वेलकम टू टाइम्स पंजाब शो गोल्डन टॉक्स विद शिप्रा। जी हाँ, आज हम आपको बहुत ही गॉर्जियस दीवा से मिलवाने वाले हैं, जिन्हें आप पहले काफ़ी एल्बम्स में देख चुके हैं, पंजाबी एल्बम्स में, और अब उनकी मूवी आ रही है गांधी फिर आ गया। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको मिलवाते हैं गॉर्जियस दीवा मिस नेहा मलिक से। हेलो मैम, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी। कैसे आप? बहुत बढ़िया, तुझे सुनाओ। मैम, जैसे हमने आपको देखा था एल्बम्स में, यू आर इक्वली वेरी वेरी गॉर्जियस। थैंक यू सो मच। सेम कॉम्प्लीमेंट आपको भी जाता है, आप भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। आई लाइक व्हाट यू वेयरिंग। थैंक यू मैम। तो मैम, सबसे पहले बताइए, मुंबई से पंजाब की जर्नी कैसे रही आपकी, कब स्टार्ट हुई और कैसे आपके माइंड में आया कि आपने पंजाबी इंडस्ट्री को फॉलो करना है? एक्चुअली जर्नी तो बहुत लंबी रही है। मैंने जब स्टार्ट किया था, मेरा फर्स्ट मूवी, मैं कि मूवी नहीं, मैं गाना कहूँगी, जो मेरा गाना था डेब्यू सॉन्ग, वो मिक्का सिंह के साथ था फॉर मूवी संता बंता प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें मिक्का, सोनू निगम, मैं और मिलिंद काबा थे। तो ये मूवी का प्रमोशन सॉन्ग था। तो जब मैंने वाला गाना किया, वो गाना इतना हाइप हुआ, उस गाने का नाम था इश्क कर ले एनी टाइम। उसके बाद मैंने बहुत सारे पंजाबी गाने किए, तो बस वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। बॉलीवुड से पंजाब आई हूँ मैं। तो कितना डिफरेंस फील करते हैं बॉलीवुड और बॉलीवुड इंडस्ट्री में? बॉलीवुड में सी कॉम्पिटिशन आपका सब जगह है, बट ये है कि अगर पंजाब में लोग दिल से आपको अपनाते हैं, दिल से आपको प्यार देते हैं, और आपकी जो अभी फ़ैन फॉलोइंग बनती है ना, इसके लिए आपको इतना, मतलब लोग बोलते हैं ना मुंबई में फिर भी आपको सपोर्ट चाहिए, मुंबई में यू नीड गुड कॉन्टैक्ट्स, यू नीड एवरीथिंग, और बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। हार्ड वर्क यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे अगर आप जब कुछ अच्छा काम करते हो तो लोग आपको उतना ही प्यार देंगे, और फिर लोग आपको आगे के लिए सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपका फ़ैन, जो आपके जो फैंस होते हैं, वो आपको दिल से प्यार करके आपको आगे लेके जाते हैं। तो मुझे जो भी बनाया गया है अभी तक, मुझे मेरे फैंस ने बनाया है। मैम, जितने भी पंजाबी व्यूअर्स ये कवरेज देखेंगे, वो तो डेफिनेटली और ज़्यादा फ़ैन होने वाले हैं आपके, क्योंकि आपने पंजाब की इतनी प्रेज़ की है। पंजाब ने मुझे प्यार दिया, मैं दिल से पंजाब को बहुत प्यार करती हूँ। मैम, पर्सनली चलो आप ये बता दीजिए कि पर्सनली नेहा मलिक को पंजाबी अटायर ज़्यादा अच्छे लगते हैं या वेस्टर्नाइज्ड? मैं पंजाबी लड़की हूँ, और मुझे पंजाबी कपड़े पहनना बहुत पसंद है, मतलब बहुत ज़्यादा। मुझे जब भी मौका मिलता है, मैं सलवार सूट पहनना चाहती हूँ, बट यू नो मुंबई की लाइफस्टाइल ऐसी है जहाँ पे हम लोग पहन नहीं पाते, उनको कैरी करना बहुत प्रॉब्लम होता है। बट मुझे जब भी मौका मिलता है, मैं, आप मुझे देखोगे कोई भी इवेंट्स में देखोगे, आप देखोगे मैं नॉर्मली इंडियन या इंडो वेस्टर्न कपड़े पहनती हूँ। मैं वेस्टर्न कपड़े बहुत कम पहनती हूँ, बिकॉज वेस्टर्न मुंबई में वही पहनते हैं, तो वो बहुत हमारे लिए बहुत कॉमन होता है। बट जब हम पंजाब आते हैं, मैं चाहती हूँ मैं सलवार सूट मिले, साड़ी मिले, या फिर कुछ यू नो इंडो वेस्टर्न मिले, तो मुझे वो पहनना ज़्यादा पसंद है। नेहा मलिक का फेवरेट पंजाबी फूड कौन सा है? पंजाबी फूड, मुझे पंजाबी फूड सारा पसंद है। मैं बहुत, मुझे पंजाब में आके ना, मैं डाइटिंग नहीं कर पाती हूँ। आज ही बात की थी मैनेजर से, मैंने कहा मेरा क्या होगा, मैं यहाँ पे आके मोटी हो जाती हूँ। बोले आप सोचो हम पंजाब में रहते, हम कैसे डाइटिंग करें? तो पंजाब में डाइटिंग नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि पंजाब में आप नॉर्मल एक रोटी और साग भी खाओगे, वो भी आपको टेस्टी लगेगा। तो पंजाब का हर चीज़ बहुत टेस्टी है, एवरीथिंग। यहाँ की दाल भी बहुत टेस्टी है। मैम, तो चलिए बात करते हैं, आपकी एल्बम आई थी सखियाँ मनिंदर भुट्टो के साथ, बहुत आप उसमें गॉर्जियस लग रहे थे, और अभी तक वो बहुत सुपर डुपर हिट सॉन्ग जा रहा है। तो उस टाइम कैसे एक्सपीरियंस और कैसे लगा आपको कि आप इतने लाइमलाइट में आ गए उस सॉन्ग के बाद, इतना सुपर डुपर हिट हो गया था? जब मैं सखियाँ जब गाना आया था, एक्चुअली वो गाना हमारा 2 महीने पहले पंजाब में शूट होने वाला था, बट उस समय यहाँ पे बारिश हो रही थी, तो वो गाना पोस्टपोन हो गया। तो मुझे लगा अभी गाना नहीं बनेगा। फिर जब मैं दुबई में गई थी, तो दुबई में आई वाज शूटिंग फॉर सम अदर सॉन्ग्स, और इन लोगों ने मुझे एक और गाना ऑफर किया, जमीला, जो मनिंदर का दूसरा गाना था। तो मनिंदर से मेरी बात हुई थी, तो मनिंदर मुझे बोलता है ये गाना, दिस सॉन्ग इज ऑल अबाउट द ब्यूटी, तो मैं चाहता हूँ जमीला गाना तुम करो। बट देन उनको लगा कि नहीं, सखिया में नेहा विल बी गुड, यू नो, बिकॉज मेरा चेहरा वैसा है, यू नो आई एम लाइक वेरी क्यूट सॉर्ट ऑफ गर्ल, क्योंकि वो लोग मुझे कहते हैं। तो फिर मैं सखिया में लिया गया, और जमीला में उन्होंने दूसरी लड़की को लिया था। तो जब भी हम गाना कर रहे थे, बहुत ही एक प्लान नहीं था, कोई चीज़ें प्लान नहीं हुई, ये अपने आप सब चीज़ें हो गई, और वहाँ पे शूट हो गया, और भगवान और लोगों ने और सब ने इतना प्यार दिया गाने को। और जब हम लोग शूट कर रहे थे, तब मुझे याद है बहुत गर्मी थी, इट वाज मे बी 49-50 डिग्री। तो एक वो जब सीन है जिसमें मेरा ऐसा हाथ रखा हुआ है स्टार्टिंग में मैंने, तो वो गाड़ी जो थी लोहे की गाड़ी थी, तो मेरा हाथ लिटरली 2-3 बार जला है। तो वहाँ के जो प्रोडक्शन वाले थे, वो बार बार कपड़ा रखते थे। हमने बहुत मेहनत की है, देख गाने सब ने बहुत मेहनत की, मेकअप आर्टिस्ट सब ने बहुत मेहनत की है। मेहनत का फल कितना अच्छा मिला आपको? सभी लोग हिट हुए, सखियाँ से मनिंदर, मैं, मिक सिंह, बब्बू, जिन्हों जो भी वाइट है, सब लोग बहुत ही, सबके लिए अच्छा रहा ये गाना। मैम,
One thing we want to ask you, we are watching very childish behavior inside you. तो पर्सनली नेहा मलिक कैसी हैं? क्योंकि बिकॉज जो हम आपकी पोस्ट भी देखते हैं सोशल मीडिया पर, तो उसमें बड़े आप क्यूट क्यूट से फेसेस भी हमें विजिबल होते हैं, तो आप ऐसे ही हैं नॉर्मल लाइफ में भी? ऐसी हूँ मैं, आई कान बी फेक, यू नो. मैं सभी को ये बोलती हूँ कि लोग मुझे बोलते हैं ना, ओ प्लीज प्रिटेंड लाइक दिस, प्लीज प्रिटेंड लाइक, नो आई कैन नॉट बी फेक. क्योंकि मुझे अगर प्यार मिला है, मुझे अगर मेरी फैन फॉलोइंग मुझसे जुड़ी है, आप विश्वास नहीं करोगे, लड़कों से ज्यादा मुझे लड़कियां प्यार करती हैं. लड़कियों ने अपने हाथों पे टैटू करवा के रखे हैं, तो लड़के ही बताएंगे कितने बड़े फैन हो आपके. नहीं, क्योंकि मैंने जितने भी टैटू देखे हैं लड़कियों ने कराए हुए हैं, बिकॉज आज के टाइम में हम लोग हमारे घर वालों के टैटू नहीं करवाते, बट मेरे लोगों ने यहाँ यहाँ पे टैटू करवाए लड़कियों ने. तो मुझे लगता है लड़कियां मुझे ज्यादा प्यार करती हैं, मुझसे इसलिए कनेक्टेड है क्योंकि मैं कुछ छुपाती नहीं हूँ. अगर मैं कुछ भी कर रही हूँ, आई एम जस्ट सो ओपन अबाउट एवरीथिंग टू माई फैंस, एंड आई जस्ट डोंट हाइड एनीथिंग. और मेरे फैंस को मैं अपनी फैमिली मानती हूँ, इसलिए उनसे फैमिली से क्या छुपाना. अगर मैं अपना फेशियल करवा रही हूँ, अपने चेहरे पे कुछ करवा रही हूँ, तो इट्स ओके. सब लड़कियाँ करवाती, मैं भी करवाती हूँ. तो वी आर सी, सब में कुछ ना कुछ, हम सब में कुछ ना कुछ कमियाँ होती हैं. उस कमियों के लिए हम कुछ करते हैं तो वो कुछ गलत नहीं है. हम सब लोग सुंदर हैं, हम सब लोग में सब में अच्छी बातें हैं, मगर कुछ ना कुछ होता है तो हम उसके लिए जाते हैं, तो इट्स ओके. बिल्कुल, ये तो हमें लाइव देखने को मिल गया. तो चलिए बात करते हैं आपकी मूवी के बारे में. तो किस टाइप का कैरेक्टर है आपका और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको आर्य बब्बर के साथ? आर्य बब्बर के साथ एक्चुअली आर एंड मी वी आर लाइक, हम लोग एक दूसरे को 5 सालों से जानते हैं. जब मैं मुंबई नई नई शिफ्ट हुई थी, तब उन्होंने मुझे 5 साल पहले कहा था कि नेहा तुम्हें मूवीज करनी चाहिए. एंड दैट टाइम आई वाज नॉट सीरियस, आई लाइक नो मुझे नहीं करना है. एंड यू नो आई एम वेरी फिकल माइंडेड, आई जस्ट डोंट नो व्हाट आई वांट टू डू इन माय लाइफ. आई एम वेरी कंफ्यूज काइंड ऑफ पर्सन, लाइक आज मैं ये कर रही हूँ, कल मुझे पता नहीं मैं क्या करूँगी. यू नो आई एम दैट सॉर्ट ऑफ गर्ल. बट अभी फिर भी फोकस हूँ, पहले इतनी फोकस नहीं थी. तब इन्होंने मुझे पंजाबी मूवी तब भी ऑफर की थी, पंकज बत्रा से भी मिलवाया था मुझे इन्होंने, तब मैंने कुछ सीरियस नहीं लिया. फिर आज 5 सालों बाद जब हम लोग मिले, हमने कभी सोचा ही था कि डेस्टिनी हमको ऐसे लाएगी. और फिर हम लोगों ने इस मूवी में लाइक दिस मूवी, यू नो दिस मूवी इज़ नॉट ऑल अबाउट हीरो हीरोइन. इसमें कोई हीरो हीरोइन है ही नहीं, इसमें सिर्फ भाई और बहन की स्टोरी है. तो मेरे भाई का रोल प्ले कर रहे हैं, मैं उनकी बहन हूँ. और बहुत ही, आप जैसे बोल रहे हो, मैं बहुत क्यूट सी लड़की हूँ जो मैं दिखता है आपको इस मूवी में. बहुत ही एक अलग ही कैरेक्टर देखने को मिलेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी देखने को मिलेगी. इस मूवी के बाद आपको और भी पंजाबी मूवीज आपने साइन ऑन की है? साइन नहीं, मेरी ऑलरेडी एक मूवी कंप्लीट हो चुकी है जो हमने लंदन में शूट की थी, उसका नाम है मुसाफिर. तो वो मूवी, उसमें भी करतार सीमा है, मैं हूँ, हरसिमरन है, बहुत ही अच्छी टीम है उसमें. तो मूवी बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है. मैम, हम चाहते हैं एक ब्यूटीफुल सा अपीलिंग सा मैसेज, जैसे आप खुद इतने ब्यूटीफुल हैं गॉर्जियस हैं, ऐसे एक ब्यूटीफुल सा मैसेज लुधियाना आप आए हैं तो यहाँ के व्यूवर्स को दे दीजिए, बिकॉज आपकी मूवी आने वाली है और सब जाएं थिएटर्स में 31st of January. हाँ जी, तो मैं सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोगों ने जितना मुझे प्यार दिया है अभी तक, मैं बस यही चाहूँगी कि आप लोग मेरी मूवी, उस मूवी को देखने जाएं 31st January को. मूवी में आपको मसाला मिलेगा, आपको एक्शन मिलेगा, ड्रामा मिलेगा, इमोशन मिलेगा, प्यार मिलेगा, सब कुछ मिलेगा. बहुत ही फैमिली वाली मूवी है, अपनी फैमिली के साथ जाइए. और जितने यूथ हैं उनको भी मूवी देखना चाहिए, उनको एक अच्छा मैसेज देखने को मिलेगा मूवी में. तो प्लीज़ गाइज जाइए, और आपके प्यार और आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे. तो प्लीज़ गाइज गिव मी योर लव एंड सपोर्ट. जाते जाते एक चीज़ हम ज़रूर पूछना चाहेंगे, आप लुधियाना में जिस MBS में आप हैं बुविट, कैसा लगा आपको और यहाँ की हॉस्पिटैलिटी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा है, बहुत ग्रीनरी देखने को मिल रही है मुझे. अभी मैंने कुछ खाया नहीं, मैं कुछ खाना पसंद करूँगी. और अच्छी जगह है, और यहाँ के लोग, यहाँ के द पीपल आर वेरी नाइस, द हॉस्पिटैलिटी इज़ वेरी गुड. सो यस, I'm looking forward for the food and let's have some food after this. Thank you so much ma'am for giving us your precious time and all the very best for your movie. तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बहुत ही स्वीट, गॉर्जियस एंड हम कह सकते हैं कि नॉटी नेहा मलिक, जिन्हें आप काफ़ी एल्बम्स में देख चुके हैं और अब वो मूवी हमें आपको दिखाई देंगे 31st of January को, गांधी फिर आ गया. तो होपफुली आपको बहुत अच्छा लगा होगा उनकी स्वीट सी बातें सुन के, उनकी नॉटीनेस देख के. थैंक यू सो मच, गो एंड वॉच दिस ब्यूटीफुल मूवी गांधी फिर आ गया. कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा बस्तीजा, टाइम्स पंजाब TV.